सावन की शुरुआत के साथ ही आज कांवड़ रूट पर झमाझम बारिश भी हुई है। ये आपको जानकारी दे देते हैं कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आज से सावन का जो आगाज हुआ है, इस आगाज में देखिए इंद्रदेव भी पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के महीने की शुरुआत, पहला सोमवार सावन का, और झमाझम बारिश हुई है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में। एक बड़ा अपडेट, कांवड़ यात्रियों को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। सुपर जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है, कड़ी सुरक्षा। आप देख सकते हैं यहाँ सहारनपुर से आती तस्वीरें, कड़ी सुरक्षा और झमाझम बारिश, ये दोनों ही जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए आज से कांवड़िए जो हैं अपने गंतव्य की ओर जो है वो रवाना हो चुके हैं। आज कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत हुई है, इसमें इंद्रदेव आज कांवड़ियों के ऊपर बारिश की बौछार कर रहे हैं। सहारनपुर से खबर, जहां कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुपर जोन, सेक्टर, सब सेक्टर में बांटी गई है कांवड़ यात्रा। सहारनपुर SSP ने कांवड़ यात्रा को लेकर फोर्स को ब्रीफ किया है। 3 अपर पुलिस अधीक्षक, 10 CO और 55 इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं। पुलिस ने कांवड़ यात्रा को सकुशल बनाने के लिए अपनी कमर कसी हुई है। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो तैनात पुलिसकर्मी जिम्मेदार होंगे, ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए ये तैयारी जो होती है कांवड़ यात्रा सुगम तरीके से पूरी हो जाए, सुरक्षित तरीके से पूरी हो जाए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्परता से लंबी तैयारी करती है। और आप देखिए वो तैयारी जो की गई है उसको अंजाम देने का समय आ गया है। आज सावन का पहला सोमवार है, कांवड़िए जो हैं वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। अब ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है उस पर आपको जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ इंद्रदेव जो हैं आज वो बरस रहे हैं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में, तो वहीं दूसरी तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, और ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से हर की पैड़ी गंगा घाटों के किनारे आज जो है भारी संख्या में जो भक्त पहुंचे हुए हैं सुबह सवेरे से ही। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ रूट पर झमाझम बारिश हुई है। यह अपडेट तो हमने आपको दे दी कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई है। सावन की पहले सोमवार के मौके पर धर्मनगरी वाराणसी में शिव भक्तों का अनोखे अंदाज में जो स्वागत किया है, अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की गई है। लाखों की संख्या में शिव भक्त जो है बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हुए हैं। देर रात से ही कांवड़िए जो है लंबी लाइनों में लग चुके हैं, स्वागत करा जा रहा है इनका। पुलिस अधिकारी और तमाम अधिकारी जो हैं देखिए यहाँ पर इन कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, जो पूरे साल इंतजार करते हैं सावन के आगाज का। सावन महीने का आगाज हो चुका है, आज पहला सावन का सोमवार है, 5 सोमवार पड़ेंगे। इस बार अद्भुत और बहुत ही सुगम संयोग बन रहा है सावन के इस महीने में, कि शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और समापन भी सावन का सोमवार से हो रहा है। और दूसरी तरफ आपको ये बताते हैं 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार सावन के इस महीने में, 19 अगस्त तक रहने वाली है कांवड़ और सावन के महीने का जो अंत होगा उसमें भी आखिरी जो दिन रहने वाला है सोमवार का रहने वाला है, और आज जो आगाज हुआ है वो भी सोमवार का है। तो ऐसे में बहुत ही सुंदर और सुगम संयोग बन रहे हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ विनेश पवार, गाजियाबाद से हमारे साथ अमीर राणा, और सहारनपुर से हमारे साथ देवेश त्यागी समय मौजूद है। सबके पास चलेंगे, तस्वीरें देखेंगे, इनसे कहेंगे कि आप और लोगों से ही बात करें जो कांवड़िए इनके सामने इस समय गुजर रहे हैं, या फिर जो भी भक्त इनके सामने से गुजर रहे हैं, हमारे सहयोगी से गुजारिश करेंगे उनसे आप जरूर बातचीत करें। सबसे पहले चलते आइए मेरठ, जहां से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। मैं उमेश के पास जाऊं उससे पहले हम लोग अमित राणा के पास चलते हैं, जो गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पीछे हम भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती देख सकते हैं, किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं कांवड़ यात्रा, जिसके लिए ना सिर्फ कांवड़िए जो हैं वो लंबा इंतजार करते हैं, लंबी तैयारी करते हैं, तो वहीं प्रशासन भी उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करता है। गाजियाबाद में कैसी तैयारी की गई है और आज की अपडेट दीजिए। जी कंचन, आपको बताना चाहूंगा सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और 72 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि 5 एक साथ इसमें सोमवार आ रहे हैं, और सबसे मेन जो चीज है कि शुरुआत भी सोमवार से हो रही है, अंत भी इसका सोमवार से हो रहा है। अगर की जाए कांवड़ की सुरक्षा व्यवस्था की बात, फिलहाल हम खड़े हैं प्राचीन रुद्रेश्वरनाथ मठ मंदिर में, यहीं से जो लाखों कांवड़ियां हैं वो यहां से जल यहां पर हाजिर लगाने के बाद कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे आम लोग भी आए हुए हैं, साथ ही जो कांवड़िए हैं वो यहां दर्शन करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाते हैं, जहां से उन्हें जल लेके आना जाता है, चाहे वो गंगोत्री हो,
चाहे वो हरिद्वार हो चाहे बजघाट हो, पुलिस की यहाँ पे अलग से पोस्टिंग की गई है। सुबह से ही एडिशनल सीपी यहाँ बैठे हुए हैं, डीसीपी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ कानून व्यवस्था की और रूट डाइवर्ट की, तो जो रूट डाइवर्ट है वो भी डाइवर्सन कर दिया गया है, क्योंकि जो मेरठ रोड पड़ता है उस मेरठ रोड पर जहाँ से कि जो लाखों की तादाद में कांवड़िया जाते हैं, उन कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। इतना ही नहीं, जो कांवड़ियों की ड्रेस है उस ड्रेस में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो पाए, कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। महिला पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही पुलिसकर्मी जो है और भी। अमिताभ, कुछ लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ भक्तों से उनका रिएक्शन ले सकते हैं। देखिए, बहुत इंतजार करते हैं और सुबह सवेरे से यहाँ पर लंबी कतारों में लगे हैं, जल्दी से उनके भी उत्सुकता हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। और बात करेंगे कि चेहरे की मुस्कान बता रही है, कब से लाइन में खड़े हुए थे? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए, तो किस तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने वाले हैं? बस भोलेनाथ सबकी कृपा बरसाए सब पे और सब बने रहे, खुशहाल रहे, यही मैंने कहा। आप बताइए किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे भोलेनाथ की, किस तरीके से? दूध और जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर। कितनी देर से खड़े हुए लाइन में? 4:30 बजे से। 4:30 बजे से कंचन, यही आस्था का सलाब कहा जाता है कि 4:30 बजे से लाइनों में खड़े हुए। कैमरा मैन से कहूंगा पीछे की तस्वीर दिखाएं, जहां तक भी आपके बिल्कुल भारी संख्या में देखिए यहां पर दर्शन करने के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसी तस्वीरें अमूमन हर मंदिर में आप देखेंगे पूरे महीने। ये सबसे पावन महीना आप कहिए, सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा महीने इसका इंतजार जो किया जाता है उसका आगाज हो गया है। सहारनपुर चलते हैं जहां पर बारिश हो रही है। देवेश त्यागी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। देवेश, देखिए सहारनपुर में तो इंद्रदेव ने भी अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दिया है शिव भक्तों को, झमाझम बारिश यहां पर हुई है। क्या इस समय भी बारिश हो रही है और किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं शिव भक्तों के लिए, कांवड़ियों के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज जैसे ही पहला सोमवार सावन का आया और उसमें झमाझम बारिश जिस प्रकार से देखने को मिली है, लगभग 1 घंटा हो गया लगातार यहाँ पे धुआंधार बारिश हो रही है, और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सड़कों पे सूना मकान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ सहारनपुर में जो कांवड़ की यात्रा को देखते हुए पुलिस 3 पुलिस अधीक्षक और 55 CO के साथ काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जो सहारनपुर का जो बॉर्डर है उत्तराखंड से लगता हुआ, जो काली नदी है वहाँ से लेकर सरसावा तक लगभग 50 किलोमीटर का ये पूरा रूट है, कांवड़ रूट, जो आप देख सकते हैं ये नक्शा भी आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से ये पूरा यहाँ से लेकर काली नदी से लेकर सरसावा के जो बॉर्डर है यमुनानगर का, वहाँ तक पूरी फोर्स तैनात रहेगी, और इसी मार्ग से कांवड़िया लाखों की संख्या में कांवड़ जो श्रद्धालु हैं यहाँ से निकलेंगे भोले के भक्त। क्योंकि यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलती है सहारनपुर में, यहाँ लगभग गागा लेडी से लेकर यहाँ तक लगभग 25 से ऊपर ऐसे स्टॉल लगाए जाते हैं जहाँ सिर्फ भक्तों की सेवा की जाती है, उनको तरह तरह की बारिश हो रही है। देवेश ने भी, हमारे सहयोगी ने भी इस समय छतरी ले रखी है बारिश से बचने के लिए। इंद्रदेव ने आशीर्वाद दे दिया और मुजफ्फरनगर में भी बारिश हो रही है जो जानकारी मिल रही है। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ विनेश पवार है, जल्दी से उनसे अपडेट ले लेते हैं। विनेश, कैसा इस समय मौसम है और यहाँ पर तैयारियां, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुजफ्फरनगर को लेकर जहां पर तैयारियों की, सुरक्षा की, कांवड़ियों की बात होती है, वहां पर बीते कुछ दिनों जो हमने विवाद देखा है वो अभी भी नहीं थमा है। खैर, विवाद की आज हम बात नहीं करेंगे, आप तैयारियां बताइए यहाँ पर कैसी की गई है, कांवड़िए कितने खुश है यहाँ पर प्रशासन की तैयारियों से? देखिए, ठंडा मौसम हो चुका है, सुबह बारिश हुई थी और अभी फिलहाल बारिश बंद है, मगर मैं इस समय शिव चौक पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, शिव चौक जो कि हरिद्वार स्थली कहा जाता है मुजफ्फरनगर, और मुख्य रूप से ये वो शिव चौक है जहाँ पर हरिद्वार से सीधे जब गंगा जल लेकर जो कांवड़िए आते हैं, यहीं पर परिक्रमा करने के बाद, यहाँ शिव की आराधना करने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो कतारें लगी हुई हैं। आज पहला सोमवार है और अद्भुत संयोग इस बार बताया जा रहा है कि कई दशकों के बाद कि इस बार सावन में 5 सोमवार आए हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं भगवान के भोले के दर्शन करने के लिए, क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी आज पहला सोमवार है सावन का, भगवान की पूरी मान्यता होती है, कांवड़ भी शुरू हो गई है, आज से कांवड़ मेला भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पब्लिक के लोग भी आ रहे हैं, जनता के लोग भी आ रहे हैं, और ये व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी, बहुत अच्छी व्यवस्था, भोले का आशीर्वाद। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला भक्त भी मौजूद हैं। आप भोले 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 बाबा के दर्शन करना है, क्या तैयारी कर कर आए हैं, कैसे? जल चढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पर शिव जी मूर्ति पर। क्या मान्यता है हमारे शिव चौक मुजफ्फरनगर? बहुत मान्यता है इनकी, बहुत अत्यधिक मान्यता जी। जी विनेश, आप आए हैं सबसे पावन और सबसे सुंदर
और सबसे बड़े महीने का आगाज हो गया है। बिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी लूंगी। हम निखिल के पास चलेंगे, मेरठ से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। निखिल, आपके आसपास हम काफी सारे लोग देख सकते हैं जो अपनी उत्सुकता, और देखिए हर हर महादेव के नारे भी वो लगा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां मेरठ में की गई हैं, कांवड़िए प्रशासन की तैयारी से कितने खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं? शंकर भगवान की जय। कुछ ऐसे ही नारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, और देख सकते हैं ये वो कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं और बुलंदशहर, नोएडा और तमाम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जोश पूरा है और साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं उससे ये संतुष्ट नजर आते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, कैसी व्यवस्थाएं रही ये बताए, कैसी व्यवस्था रही यहाँ पर और क्या संतुष्ट है व्यवस्थाओं से? बोला सब कुछ चीज बढ़िया है, सब अपने टाइम पे सब कुछ चीज बढ़िया चल रहा। हमारी कांवर यात्रा भी बहुत अच्छी चल रही, किसी चीज की टेंशन नहीं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, गाड़ी वाड़ी सब चीज की। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है, सरकार ने कहा कि जो रास्ते में आ रहे हैं उन्हें दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, क्या मानते हैं ऐसा होना चाहिए? बोला होना चाहिए वैसा 100%, पर किसी ने हमारा नाम नहीं लिखवाया, नहीं कुछ करवाया। बोला इसके अलावा आप बताइए कि क्या दुकानदारों ने नाम लिखने, सरकार ने जो फरमान किया है उसको पालन करना चाहिए? जी, सरकार को जो सरकार ने बोला है उस चीज का पालन करना चाहिए और करना चाहिए, जिसमें कि हमें पता लगना चाहिए कि ये जो होटल है हिंदू का है या मुस्लिम का है। अगर हिंदू का है तो हम वहाँ पर खाना खाएंगे और मुस्लिम का है तो हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़े मेहनत से कांवड़ लाते हैं, बोले, और हम नहीं चाहते कि हम कोई बेकार खाना खा करके हम अपने। पवित्रता बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल पूरी बनी रहनी चाहिए। जब बोला हम इतना कष्ट कर रहे हैं तो पवित्रता बनी तो रहनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। ठीक है, सकते हैं जो लोगों में पूरा जोश है। विवादित कोई बात नहीं करेंगे, वाद-विवाद की कोई बात नहीं करेंगे। देखिए आज बहुत ही आस्था का पावन महीने का आगाज हुआ है, बहुत ही सुंदर और शुभ दिन है आज, बहुत ही सुंदर संयोग इस पूरे महीने बन रहा है। आइए और जानकारी हमारे सहयोगी वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमें देंगे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं, जनता दरबार वो लगा रहे हैं, लेकिन वाराणसी जाएंगे। उपेंद्र, क्या तैयारियां मुख्यमंत्री के लिए की गई हैं? मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, अभी तो फिलहाल गोरखपुर में मौजूद हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है, उनके विजिट को लेकर अपडेट दीजिए। और वाराणसी में जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं आज के इस दिन की, ना सिर्फ आज के दिन के लिए बल्कि पूरे महीने के लिए, उस पर हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की तैयारी यहां के लोग इस समय महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आपको यहाँ पर एटीएस के कमांडो भी नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर सावन के विशेष सोमवार के लिए यहाँ पर है, तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर सुरक्षा का। आप ये देखिए पूरी बैरिगेट्स है, कई सारे गेट्स बनाए गए हैं एंट्री और एग्जिट के। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की बात कर लें तो करीब 12 बजे के बाद आएंगे, कमिश्नरी सभागार में मीटिंग लेंगे जिसमें पूरे वाराणसी मंडल के जिले, चाहे वो जौनपुर हो, उसके गाजीपुर हो, चंदौली हो, वाराणसी हो, सभी की मीटिंग्स होगी। उसके बाद वो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आएंगे। श्रद्धालुओं का सैलाब आप देखिए, आप ऊपर से एक व्यू देखिए, ये गंगा घाट से आने वाला जो रास्ता है यह आपको खचाखच भरा नजर आ रहा होगा। ये विश्वनाथ मंदिर से समझिए 2 किलोमीटर दूर की बात है, मंदिर के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और हर कोई बाबा विश्वनाथ को अपनी आस्था का जल चढ़ाना चाहता है। कुछ देर बाद यहाँ पर पारंपरिक जो जल चढ़ाने वाले यादव बंधु की वो होंगे, वो पहुँचेंगे, वो जल चढ़ाएंगे। तो सुरक्षा की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लोगों से बात कर लेते हैं, कहाँ से आए, कहाँ से आए आप? प्रयागराज, मिर्जापुर जिले, मिर्जापुर। हर हर महादेव, पार्वती पते, हर हर महादेव। तो कब से लगे हैं कतार में? क्या सर? कतार में कब से लगे? सर 2 बजे से, रात में 2 बजे से लगे। कोई थकान नहीं सर? कृपा है, हर हर बाबा की कृपा है, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, कोई थकान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे कोई थकान, कोई 2 बजे से लगे लाइन में। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे सहयोगियों का, तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे अब हम अपराध जगत की 10 बड़ी खबरें क्राइम टॉप 10 में। फिरोजाबाद में किडनैपिंग के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में चौकी इंचार्ज का वसूली करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, भोजीपुरा थाना क्षेत्र में धौरा टांडा चौकी के इंचार्ज पर आरोप। आतुर शहर में बंद मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना, लाखों की नकदी और जेवरात चोरी।
एजेंट से 3 लाख रुपए की लूट हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें हैं कैद। आपको में 2 साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं, गाड़ियों का शीशा तोड़कर चोरी को अंजाम देते थे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में हत्याकांड में एक्शन, सुनियोजित तरीके से व्यक्ति की हत्या करने वाले बहू और ससुर गिरफ्तार। लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों पर बैंक से लोन लेकर हड़पने वाले 3 गिरफ्तार किए गए हैं। हाथरस में एक हत्याकांड में महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 18 जुलाई को एक लड़के पर जानलेवा हमला किया था। और बहराइच में छेड़खानी के विरोध में चाकू से हमला किया गया है, 4 से 5 लड़कियां घायल, 1 की हालत नाजुक।